लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। बनासकांठा के अम्बा जी शक्तिपीठ गंबर ऊपर अखंड ज्योति में आराशुरी महिषासुरी मर्दिनी साक्षात अखंड ज्योति में विराजमान है और भाद्रवा का सातवें दिन का मेला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पूनम के दिन साक्षात माँ प्रकट होती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। माँ भक्तों गंबर की ऊंची चट्टान है और भक्तों गंबर की चट्टान की सीढ़ियाँ भी हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के भक्त वहाँ जाते हैं जहाँ रोपवे की भी सुविधा है। रोपवे की टिकट का दर 175 रुपया है जो माँ भक्तों को ले जाता है और कई तो माता रानी के भक्त ऐसे हैं जिनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कई दुख के मारे रोने लगते हैं। माँ इतनी दयालु है, माँ सभी भक्तों का दुख दूर करती है, सभी की बातें सुन लेती है। माँ दयालु है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, जगत जननी है। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे जिसमें कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, ACP, मंदिर ट्रस्ट मैनेजर और साथ ही निवेश आरोग्य की टीम भी अच्छे कार्य करते हुए नजर आई। गुजरात के साबरकांठा जिले से हिम्मतनगर सुरेखा सतवारा की रिपोर्ट। भारत से मैं सुरेखा सतवारा में बोल रही हूँ। अभी हम डूंगर पे गब्बर पे हम आए हैं, आप देख रहे हैं ये सभी माता रानी डूंगर पे बैठी हो साक्षात। और नमस्कार, मैं सुरेखा सतवारा, नमस्कार, मैं R9 भारत से मैं सुरेखा सतवारा बोल रही हूँ। अभी आप माता रानी के भक्तों गब्बर के दर्शन के लिए सभी दर्शन के माता रानी के भक्तों के मनोकामना पूर्ण हुए ऐसे भक्त रोते हुए और उसके मन में श्रद्धा लेके गब्बर पे आ जाते हैं और उसकी शक्ति और भक्ति माता रानी के चरणों में समर्पित करते हैं। मैं R9 भारत से मैं सुरेखा सतवारा में बोल रही हूँ। आप माता रानी, नमस्कार, मैं R9 भारत से सुरेखा सतवारा बोल रही हूँ। मैं अभी ये भक्त है, माता रानी के भक्त है, तो उसको मैं पूछ रही हूँ कि भैया जी आप किधर से आए? मैं अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट खेड़ा गुजरात। और पैदल आए भैया जी? नहीं, बस से। बस से आए? हर साल आते हैं? हाँ, हर साल पूनम के भादरवी पूनम के हमारे। और आपका 2 साल कोरोना में मंदिर बंद रहा है, तो आपको कैसा महसूस हुआ वो रात? तो आपको तो मालूम है सरकार ने बंद करवाया था। सरकार ने नहीं बंद करवाया था क्योंकि कोरोना आया था, इसीलिए सरकार ने बंद किया था। कोरोना में तो कोई भी नहीं जा सका, यहाँ तक तो आ नहीं सका। तो आपको कैसा महसूस हुआ था? धूप होता था, क्या होता होगा ना, क्यों नहीं होगा, 2 साल तक मंदिर तक नहीं आया। आपका नाम क्या है? जगत कुमार बाबू।